तो देखिए इस तरह का शेप हम कैसे बना सकते हैं कार्ड बनाने के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से बनानी है। तो उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे शेप पर, और यहाँ से हम एक शेप बना लेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये शेप बनाया, अब मसला है कि ये शेप तो इस साइड है, वो इस साइड पर होना चाहिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको पकड़ के ऐसे कर देंगे। सही, तो ये ऐसे बन के हमारा काम ऐसे आसान हो जाएगा। और उसके बाद इसको इस तरह से नीचे लेकर आएंगे। लेकिन ये शेप तो फिर दूसरे तरीके से बना हुआ है, मतलब ये यूं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कि इस शेप में हमें कोई एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, येलो कलर का पॉइंट जो हमें नहीं दिख रहा अभी। येलो पॉइंट कहीं भी नहीं आ रहा। ओके, फिर क्या करें? फिर हम इसको ऐसा करते हैं कि थोड़ा रोटेशन से काम चलाते हैं। तो इसको यहाँ करके कैसा है ये देख। ठीक है, ऐसा रोटेट करके, ऐसा रोटेट किया हमने स्टेप को, यहाँ पर ड्रॉ करके यहाँ पे सेट कर दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ से तो ऐसे सही। अब क्या करना है, अगला एक और शेप बनाना है। कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट किया, थोड़ा छोटा कर ले उस शेप को, ऐसा बिल्डिंग, और उसको ऐसे करके दोबारा से सीधा कर और उसको उठा के अब इस पर क्लिक करके अगर आपने कोई कलर ही देना है तो सिंपली कलर भी दे सकते हैं, और कलर के साथ पैटर्न भी देना है तो पैटर्न देखो यहाँ नहीं मिल रहा ना, तो यहाँ क्लिक करेंगे, मोर टेक्सचर में जाएंगे, यहाँ मिलेगा हमें पैटर्न। तो पैटर्न जो देना चाहो, इस तरह का इस पर लगा दें। आउटलाइंस नहीं देनी तो नो आउटलाइन कर दें। और इस पर कौन सा कलर देना है, ये ग्रे कलर ही देना है, डार्क ग्रे कर लें इसको आप। ओके, ये शेप इस तरह से इजीली निकल आया। अब इस पे ये कंपनी नेम वाला मामला ऐसे ऐसे करेंगे। वैसे तो इंटर करके पेज के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इंसर्ट में जाएं, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स इस काइंड ऑफ शेप, लेकिन उसमें पहले से जो है ना टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन होता है। तो या अगर चलो यहाँ भी नहीं जाते तो शेप पर ही काम कर लो। जैसे तुमने भी शेप पर ही काम करना है, ये भी आपने एक शेप ड्रॉ किया, उसमें आपने राइट बटन दबाया, जैसे अपना नाम लिख दिया, कंपनी नेम है तो कोई भी अपनी कंपनी का नाम वगैरह लिख के उसके तरह से फॉन्ट साइज वगैरह इसका बढ़ा दिया। अब शेप को ट्रांसपेरेंट करना है तो कैसे करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, स्टेप में जाएंगे, नो फिल करेंगे, आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन करेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट में जाके होम में जो टेक्स्ट का कलर है उसको यहाँ से ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ब्लैक ब्लू जो भी करना चाहें वो आपकी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद इसका ही एक डुप्लीकेट ले लें, कंट्रोल डी की मदद से डुप्लीकेट कर दें और यहाँ नीचे ले आइए, और उसमें थोड़ा कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल कर लें। पहले लेआउट में जाके ये तो 0 है, होम में जाए पैराग्राफ स्पेसिंग भी 1 लाइन पे करके, फॉर शेप फॉर्मेट में जाके अलाइनमेंट भी टॉप पे कर लें, और होम में जाके इसका फॉन्ट साइज रिड्यूस करके 14 पे रख लें, और एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करा दें, RAND रैंड 1 पैराग्राफ ले लें इस तरह। तो ये आपका जनरेट हो गया एक कार्ड जो हमने उसके ऊपर कवर पेज बनाना था। ये ठीक है, वो मजीद चीज आप भले इसमें जो भी करना चाहें वो अपने तौर पे कर सकते हैं। सही, अब रह गया सवाल कि ये वाला आपने बनाना है। ठीक है, और एक और दे देता हूँ, वो भी आपने कर लेना है। जैसे एक देखिए इस तरह का मामला भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें देखिए इसने कॉन्सेप्ट यूज किया है कि एक चीज बनाई है एक ड्रॉ करने के बाद, दूसरा उसका रिफ्लेक्ट लिया है। कैसे लिया, इसको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि नीचे आते हैं, मैं एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसके नीचे आते हैं, इंसर्ट ब्लैंक पेज। तो रिफ्लेक्ट कैसे किया उसने, इसको समझना है आपने। ठीक, जैसे मैंने एक इसमें आपको ग्रुप और अनग्रुप भी समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पर आपने एक एरो बनाया और इसके साथ आपने एक और एरो बना दिया, डुप्लीकेट कर दिया कंट्रोल डी करके, और इसको हमने कुछ इस तरह से बनाया। अब यहाँ पे जब दो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स को प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि मैनेज कैसे करें, क्योंकि एक को मूव करते हैं दूसरा भी हो जाता है। क्लिक करेंगे एक पर, शिफ्ट के साथ होल्ड करेंगे दूसरा, इस तरह तीसरा चौथा जो भी है शिफ्ट के साथ, और शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से ग्रुप कर देंगे। अगर आप यहाँ से नहीं करते तो यहीं पर राइट बटन दबा लें, यहाँ से
प्रूफ और ये ऑप्शन भी यहाँ मिल जाएगा आपको, दोनों ऑप्शन सेम है, बस जगह का फर्क है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, सही। अब इसको हमने क्या किया, देखिए रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि ये इस तरह से, मैं इसको ऐसे करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट किया मैंने इसका, और इसको इसी के पीछे इस तरह से एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पे जाके शेप फॉर्मेट पे जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा मैं इसको, अलाइन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, सॉरी गलत चला गया, माफ करना, हाँ चला गया, रोटेशन फ्लिप हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट। समझ में आई, छोटी सी एग्जांपल देके बने, मतलब आपने क्या करना है कि इसको एक साइड को कंप्लीट कर लेना है, जब एक साइड कंप्लीट हो गई ये पूरी की पूरी, देखे सेंटर पॉइंट भी दिया हुआ है, तो उसके बाद इसका आप जैसे ही ग्रुप करके सबको एक रिफ्लेक्शन लेंगे तो यही सेम आपको इस साइड पर मिल जाएगा, और इसको मिला के आप इस तरह का मामला क्रिएट कर, ठीक है, क्लियर पिक्चर। अरे कलर पांच हिसाब से दई छोड़ जो पैटर्न दे नला ही वारो ही बुधाए पे हो ही तांगे बुधाए पे हो कि खिला इसके जो पैटर्न और कलर कितना देना है। ठीक है,